हम उन लोगों की भी चिंता हमें करनी चाहिए कि जो लोग छोटे व्यापारी हैं और छोटे छोटे व्यापारियों को जिस तरह से नित नई परेशानियां जो हैं उसका सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक नई चीज़ जो है जम्मू में खड़ी की जा रही है कि जो जिस तरह से एक चिप होती है मोबाइल की चिप, जो जिस तरह से प्री पेड चिप जो है, यानी कि अगर आप पैसे जमा कराएंगे तो आपको बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर जो है वो अपनी जगह ठीक है, स्मार्ट मीटर में ये जो चिप है ये अनअसेप्टेबल है। देखिए देखिए वो एक अलग चीज़ है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जितने आप पैसे जमा कराओगे आप उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको अवेल कर सकते हैं, ये तो सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, ये उसके ऊपर अटैक है। मैं समझता हूँ कि ये जो कार्रवाई अगर गवर्नमेंट करना जा रही है इसको इमीडिएटली बंद करे। इस तरह का जो माहौल है, मतलब मुझे लगता है कि कहीं जिस तरह की हम लोग एक तरफ हम लोगों को सहूलियत देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको छीनने की बात कर रहे हैं। समय अगर बिजली की व्यवस्था की मैं बात करूं, लोगों से पूछा भी नहीं जा रहा और प्रीपेड सिस्टम में उनको बिल्कुल शामिल किया जा रहा है, पहले पोस्ट पेड होता था और भी कह रहे हैं कि जब वो 700 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपके जो पैसे नहीं बचे हैं तो आपकी बिजली कट हो जाएगी, आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो जो गाँव देहात के लोग हैं या जो महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं वो कैसे चलेंगे क्योंकि पेंशन भी बंद हो चुकी है। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को समझना चाहिए, गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, सिर्फ लोगों की ड्यूटीज़ नहीं होती, गवर्नमेंट की भी ड्यूटीज़ होती हैं कि हम लोग जो हैं किस तरह से हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिजली जो है, बिजली और पानी ये जो है एक फंडामेंटल राइट है लोगों का। प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी टैक्स का मसला जो है ये लाइव मसला है, वो आगे भी ज़िंदा रहेगा। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है पहले भी लगा था, फिर वापस हुआ था, और ये ही चीज़ जो है मैंने अगर एक मुद्दा उठाया है तो आने वाले दिनों में ये फिर से वही हालत होगी इसकी जिस तरह से पहले हुई थी। यात्रा के लिए इसी मुद्दे को आप उठाओगे नहीं, जिस तरह से आप प्री पेड ये बिल की बात हो रही है, अगर मैं मुद्दा ही नहीं उठाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक तरफ लोगों को सहूलियत देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ उनकी सहूलियत जो है वो छीनने की बात कर रही है। मुद्दे तो उठाने पड़ते हैं और मुद्दों में पब्लिक जो है उसको आगे आना पड़ता है। भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान करने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होगा और 5-5 मरले जो है जमीन जो है तमाम लोगों को दी जाएगी। मिर्सा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन करने वाले, नेतृत्व करने वाले व तमाम व्यापारियों के आवास बनने वाले अरुण जी हैं। अरुण जी, क्या लगता है ये फैसला जो है जनता के पक्ष में है या विरोध में, क्योंकि ये एक सियासी रूप भी लेता हुआ जा रहा है? देखिए मैं सियासत की बात नहीं करूंगा, और इस तरह का जिस तरह का बताया जा रहा है कि 5-5 मरले जो है उन लोगों को जगह दी जाएगी, जो लोग जिनके पास घर नहीं है और जो ज़मीन जो है जिनके पास नहीं है और पावर्टी लाइन बिलो पावर्टी लाइन के लोग हैं उन लोगों को अगर जगह दी जाती है, इस स्टेप का मैं वेलकम करता हूँ। और अपनी तरफ से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो घोषणा की जा रही है वो ग्राउंड पे हो। देखिए बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं और उसमें ईमानदारी से हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी बननी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को दूर करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है। और मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का एक माहौल जो है यहाँ पर तैयार किया जाता है तो ये भी अपने आप में एक नायाब माहौल होगा, क्योंकि आज तक कभी इस तरह का हुआ नहीं है। अभी की प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये जो घोषणा की गई है कि हर व्यक्ति को छत मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, उस बात की चिंता हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो जगह की जगह अगर उन लोगों को छोटे छोटे फ्लैट मिलते हैं, एक रूम, जिस तरह से देखिए जगती में जिस तरह से कश्मीर से लोग करके आए यहाँ पर उनको बसाया गया, लेकिन मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि उस पर भी कुछ ना कुछ ऐसे राइडर लगने चाहिए कि जो व्यक्ति जो है इन चीज़ों को अवेल करे वो अपने पास रखे, वो आगे उसको ना तो सबलेट कर सके और ना वो आगे किसी को सेल कर सके। क्योंकि अगर किसी की ज़रूरत को गवर्नमेंट पूरा कर रही है तो गवर्नमेंट का काम ये भी चेक करना है कि कहीं वो मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, हमारी दी हुई चीज़ का कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा।
और मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह की चिंता जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, उसके साथ साथ हम उन लोगों की भी चिंता हमें करनी चाहिए कि जो लोग छोटे व्यापारी हैं और छोटे छोटे व्यापारियों को जिस तरह से नित नई परेशानियां जो हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। और मैं एक बात जो है रिसेंटली, अभी तो मेरे पास कोई ऐसा मेरे पास सर्कुलर भी नहीं आया है और ना ही मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी है, मैं अभी जानकारी कलेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से एक नई चीज़ जो है जम्मू में खड़ी की जा रही है कि जो जिस तरह से एक चिप होती है मोबाइल की चिप, जो जिस तरह से प्री पेड चिप जो है, यानी कि अगर आप पैसे जमा कराएंगे तो आपको बिजली मिलेगी, स्मार्ट मीटर जो है वो अपनी जगह ठीक है, स्मार्ट मीटर में ये जो चिप है ये अनअसेप्टेबल है। देखिए देखिए वो एक अलग चीज़ है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जितने आप पैसे जमा कराओगे आप उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको अवेल कर सकते हैं, ये तो सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, ये उसके ऊपर अटैक है। मैं समझता हूँ कि ये जो कार्रवाई अगर गवर्नमेंट करना जा रही है इसको इमीडिएटली बंद करे। इस तरह का जो माहौल है, मतलब मुझे लगता है कि कहीं जिस तरह की हम लोग एक तरफ हम लोगों को सहूलियत देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको छीनने की बात कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था की मैं बात करूं, लोगों से पूछा भी नहीं जा रहा और प्रीपेड सिस्टम में उनको बिल्कुल शामिल किया जा रहा है। पहले पोस्ट पेड होता था और अभी कह रहे हैं कि जब वो 700 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपके जो पैसे नहीं बचे हैं तो आपकी बिजली कट हो जाएगी, आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो जो गाँव देहात के लोग हैं या जो महिलाएं हैं बुजुर्ग हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि पेंशन भी बंद हो चुकी है। देखिए कुछ चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट को समझना चाहिए, गवर्नमेंट की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, सिर्फ लोगों की ड्यूटीज नहीं होती, गवर्नमेंट की भी ड्यूटीज़ होती हैं कि हम लोग जो हैं किस तरह से हम लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। बिजली जो है, बिजली और पानी ये जो है एक फंडामेंटल राइट है लोगों का, जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है। और गवर्नमेंट जो है इस तरह से अगर कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। अगर गवर्नमेंट जो है एक तरफ हमें सहूलियत की बात करती है और दूसरी तरफ हमारे राइट्स जो हैं उसको छीनने की, विरोध कर कर हमें मिलता क्या है? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स पर हमने विरोध देखा है चैम्बर का, आम लोगों का, बहुत से लोग आपके साथ आए, रिलायंस स्टोर के ऊपर हमने विरोध देखा, अब आप कह रहे कि स्मार्ट मीटर्स पर भी करेंगे या फिर खासतौर पर प्रीपेड मीटर्स पर, लेकिन सरकार ने जो करना है वो तो कई बार रिजल्ट जो हैं वो आपको इन लॉन्ग रन मिलते हैं। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, मैंने जो चीज़ें कही हैं, अगर रिलायंस के स्टोर रूम हैं, आज रिलायंस के स्टोर रूम नहीं खुले हैं, जो उस समय 50 के लगभग स्टोर खुलने थे, एक जो स्टोर की आप बात कर रहे हैं वो एक बिग बाज़ार था, बिग बाज़ार को जो है इन्होंने रिलायंस स्टोर में कन्वर्ट किया है, उसके अलावा कोई भी रिलायंस स्टोर जो है यहाँ पर नहीं खुला है। जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स का मसला है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये प्रॉपर्टी टैक्स का मसला जो है ये लाइव मसला है, वो आगे भी ज़िंदा रहेगा। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है पहले भी लगा था, फिर वापस हुआ था, और ये ही चीज़ जो है मैंने अगर एक मुद्दा उठाया है तो आने वाले दिनों में ये फिर से वही हालत होगी इसकी जिस तरह से पहले हुई थी। यात्रा के लिए इसी मुद्दे को आप उठाओगे नहीं, जिस तरह से आप प्रीपेड ये बिल की बात हो रही है, अगर मैं मुद्दा ही नहीं उठाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक तरफ लोगों को सहूलियत देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ उनकी सहूलियत जो है वो छीनने की बात कर रही है। मुद्दे तो उठाने पड़ते हैं और मुद्दों में पब्लिक जो है उसको आगे आना पड़ता है। इस समय अमरनाथ यात्रा का आगाज़ हो चुका है लेकिन व्यापारियों के कहते हैं चेहरे खिल जाते हैं, इस बार कितने चेहरे पर मुस्कान आई है, क्या व्यापार में बढ़ोतरी हुई है या प्रशासन ने आपके लिए कुछ अलग किया? क्योंकि टूरिज्म विभाग कह रहा है कि हम सबको घुमाने का काम कर रहे हैं टूरिस्ट के रूप में या श्रद्धालु के रूप में, लेकिन कितने लोग जम्मू के बाजारों में? ऐसा नहीं है, देखिए जब कभी भी आगे क्या होता था कि यात्रा चलती थी 30 दिन 35 दिन, एक लिमिटेड पीरियड होता था, और जो लोग वहाँ से यात्रा के लिए आते थे उनको भी पता होता था कि हमने इस पीरियड में यहाँ पर यात्रा करनी है। इस बार लोगों को लग रहा है कि पीरियड लंबा है, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि व्यवस्था जो है करना इतना आसान नहीं होता, मैं इसमें किसी बात की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, क्योंकि देखिए ये साल में एक बार यात्रा होती है और एक बार यात्रा के लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं ये भलीभांति वही लोग जानते हैं। अभी की बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो लोगों को समझा करके, लोगों के बीच में रह करके, लोगों से राय लेकर के की जा सकती हैं, उसमें अगर कोई कमी है तो गवर्नमेंट उसको पूरा करे। व्यापारियों का क्या हाल है इस यात्रा के लिहाज से?
देखिए अभी की मैं ये जरूर कहूँगा कि मैंने जैसे पहले ही कहा कि 62 दिन की यात्रा और 30 दिन की यात्रा, इसमें डिफरेंस है। अभी यात्री जो हैं अभी निकल रहे हैं, जिस तरह से शुरू में 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, अभी 15-15 हज़ार, आज मैंने पढ़ा है 17 हज़ार के लगभग जो हैं लोग जो हैं दर्शन करके आए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता यात्रा जो है वो बढ़ने वाली है। जहाँ जहाँ भी लंगर लगे हैं, मैं ये देख रहा था कि महाजन सभा में पहले दिन उनको 300 कुछ लोगों की मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया था, दूसरे दिन 500 कुछ के लिए, कल उन्होंने 900 कुछ के लिए भेजा है। मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती चली जाएंगी, और डेवलप होने के साथ साथ मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यात्री जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, और लोगों का बिज़नेस जो है, जिस तरह से उनको लगता था कि साल का, देखिए साल में एक बार मौका होता है कि ऐसे लोग जो यहाँ पर सिर्फ एक बार यात्रा करने के लिए आते हैं और यहाँ पर वो परचेजेस करते हैं, अपना खर्चा करते हैं, हाँ पूरे भारत से ही नहीं आते। देखिए मैं आपको NRIs जो हैं बहुत आते हैं यहाँ पर, नेपाल से बहुत जनता जो है यहाँ पर आती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू में बिज़नेस बढ़ेगा और खुशहाल होंगे जम्मू के लोग। और प्रार्थना यही है कि जो लोग यात्रा के लिए आते हैं हमारी, तो उनके लिए भी यही प्रार्थना है कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। और मेरी दूसरी जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के बिजनेसमैन के लिए प्रार्थना है कि भोले शंकर जो हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, और ताकि उनका बिज़नेस जो है, और बिज़नेस के साथ साथ जिस तरह के मैंने पहले ही कहा कि ये जो इश्यूज़ हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ परेशानियाँ, ये भी दूर हों, यही प्रार्थना जो है भोले शंकर की। साफ तौर पर अरुण जी हमारे साथ हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और तमाम व्यापारियों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बार इनको मौका मिला है और हर एक व्यापारी ने इन्हीं को चुना है अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। आप ही हमारे साथ बने रहे, देखते विश्व जम्मू से हाल।